नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। आगरा में पीठासीन अधिकारी की लापरवाही देखने को मिली, जिसके कारण दोबारा मतदान कराया गया। आगरा लोकसभा क्षेत्र के जटोला गांव में 25 अप्रैल को पुनः मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण यानी 18 अप्रैल को प्राइमरी पाठशाला जटोला के बूथ संख्या 455 पर हो रहे मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी की गलती से ईवीएम मशीन में क्लियर का बटन दब गया। उस समय तक मशीन में 141 वोट पड़ चुके थे, जिनकी पर्चियां पेटी में मौजूद थी। बाद में दूसरी मशीन आने पर कुल 239 वोट बूथ पर डाले गए, लेकिन पूरे मामले की जानकारी जब पर्यवेक्षकों के जरिए चुनाव आयोग को पहुंची, तो आयोग ने 25 अप्रैल को पुनः मतदान कराने का फैसला लिया। आगरा प्रशासन 25 अप्रैल को बूथ संख्या 455 पर पुनः मतदान करा रहा है। सुबह 7 बजे से प्राथमिक विद्यालय मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे तक बूथ संख्या 455 पर 12% मतदान हो चुका है। बूथ संख्या 455 पर कुल 439 वोट है। शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को मंडी समिति में जमा करा दिया जाएगा। चल रहा है सारी व्यवस्था है। 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। क्या कारण रहा पुनर्मतदान हो रहा है? वो पिछली बार जो पोल डे था 18 तारीख को, उस दिन पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम उनके द्वारा कुछ गलती कर दी गई थी। मॉक पोल के बाद उन्होंने मशीन सील नहीं की थी क्योंकि भीड़ लग गई थी। इसके बाद उन्होंने सोचा 11 बजे के आसपास हम इसको सील कर लेंगे, जब खाली हो जाएंगे तब सील कर लेंगे, भीड़ छट जाएगी। तब 11:30 बजे तक भीड़ खाली होगी, उसके बाद वो सील करने की कोशिश करने लगे। सील के दौरान क्लोज बटन दब गया और इससे पोलिंग रुक गई, और उसको सही करने के दौरान उन्होंने सीआरसी का बटन दबा दिया, जिससे सारे जितने 140 मत पड़े थे वो जीरो हो गए। दस्तक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।